अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, हमारे पास है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो रिडक्शन को आपको पता है कि रिडक्शन उसको कहते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो उसको रिडक्शन कहते हैं। तो हमारे पास जो है सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के जो है, उसमें पहला है एक रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड टू हाइड्रोकार्बन, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड सी से सिंपल मैं लिख लूंगा कंपाउंड टू हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन हमारे पास है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड टू हाइड्रोकार्बन। एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो रिड्यूस होते हैं, जब हम उसको रिड्यूस करते हैं तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके दो तरीके हैं हमारे पास, एक है क्लेमसन रिडक्शन आर बाय, और दूसरा जो है वो हमारे पास वॉल्फ किशनर रिडक्शन। तो पहला हमारे पास है क्लेमेंसन रिडक्शन। जब रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड के हम करते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहला रूल है, हम इसको किस तरह कार्बोनाइल कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे, इसकी रिडक्शन किस तरह करेंगे, तो उसमें जो पहला तरीका है वो है क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करते हैं अल्केन में, और किसकी प्रेजेंस यानी कैटलिस्ट किसको इस्तेमाल करते हैं, जिंक एमलगम को और HCl को एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन इस तरह होगा, इथानॉल हमारे पास है इथानॉल। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। ठीक है, ये हमारे पास है इथानॉल, और इसकी हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, और किसकी मौजूदगी में, जिंक एमलगम की, Zn और Hg। ठीक है, और कंसंट्रेटेड HCl। क्लेमेंसन रिडक्शन में हम एल्डिहाइड और कीटोन को जब रिड्यूस करते हैं तो वो किस में तब्दील हो जाते हैं, अल्केन में, और किसकी कैटलिस्ट को, किस तरह किसको कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिंक एमलगम को और कंसंट्रेटेड HCl को। ठीक है, तो हमारे पास इथानॉल से ये हमारे पास है इथानॉल। ठीक है, इथानॉल, और ये किस में, इथानॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथानॉल में, सॉरी इथेन में, CH3 और CH3, ये किस में, इथेन में, और हमारे पास प्लस H2O ये हमारे पास थे। अब दूसरा क्लेमेंसन रिडक्शन तो हमने पढ़ा, अब हमारे पास है वॉल्फ किशनर रिडक्शन। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो है वॉल्फ किशनर रिडक्शन। पहले हमने क्लेमेंसन पढ़ा, और अब हमारे पास है वॉल्फ किशनर रिडक्शन। ठीक है, जब वॉल्फ किशनर रिडक्शन में जब हम एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ट्रीट करवाते हैं, तो हमें करिस्पॉन्डिंग हाइड्रोजोन मिलता है। ठीक है, और जब हम इस हाइड्रोजोन को रिएक्ट करवाते हैं या हीट करवाते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन बॉइलिंग इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, तो ये हमें क्या देता है, अल्केन देता है। जिस तरह हमारे पास इथानॉल है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरह सॉरी सी डबल बॉन्ड ओ ये। ठीक है, हमारे पास यहाँ क्या है,
आर, और ये हमारे पास है एच, ठीक है। तो हाइड्राजीन के साथ हम इसको जब रिएक्ट करवाते हैं, हाइड्राजीन इस तरह है NH2, या सिंपली हम इसको NH4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको इसके साथ हाइड्राजीन के साथ ट्रीटेड करवाते हैं तो ये हमें क्या देता है, हाइड्राजोन और वाटर हमारे पास H2O, ठीक है, H2O हमारे। तो ये हमारे पास बन जाता है C डबल बॉन्ड N R, और ये हमारे पास बन जाता है क्या, H, और N के साथ हमारे पास है NH2, ठीक है, NH2। और जब हम इसको हीटेड करवाते हैं किसके साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और बॉइलिंग इथाइलिन ग्लाइकोल उसमें होता है, ठीक है। तो जिस तरह ये हमारे पास आ गया, अब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं पोटाशियम, मैं यहाँ लिख लूँगा इसको CrH और डबल बॉन्ड NNH2, और इसको रिएक्ट करवाते हैं, हीटेड करवाते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और इथाइलीन ग्लाइकोल, ठीक है, CH2 CH2 OH, ठीक है, और OH। तो ये हमें हमें क्या देता है, अल्केन, ठीक है। तो R CH3 और प्लस N2, ठीक है। तो ये था हमारे पास वाल क्वेश्चनर। तो यही दो तरीके हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त।